जय जिनेन्द्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी सैंडविच ढोकला। ये गुजराती डिश है, बहुत आसानी से बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। सैंडविच ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम ढोकला का बैटर बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 3 कप चावल, 1/4 कप उड़द दाल और 1 कप पोहे लिए हैं। और सारा माप मैंने 200 ml वाले कप से माप के लिया है। आप कोई भी कटोरी से माप के ले सकते हो, पर रेशियो यही रखेंगे। अभी पहले दाल और पोहे को साथ में ग्राइंड करके फाइन पेस्ट कर देंगे। और ये दाल, चावल और पोहे को मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिए थे। ग्राइंड करने के लिए मैंने मिक्सर का बड़ा जार लिया है। अब इसमें दाल और पोहे को डाल देंगे और 1/2 कप पानी डाल के ढक्कन लगा के ग्राइंड कर देंगे। दाल और पोहे ग्राइंड हो चुके हैं, आप देख सकते हो, इस तरह फाइन क्रश करना है। और बैटर को भी हम इस तरह गाढ़ा ही रखेंगे। अब बैटर को एक डिब्बे में ट्रांसफ़र कर देंगे। दाल और पोहे का बैटर निकालने के बाद इसी मिक्सर जार में चावल भी ग्राइंड करेंगे। चावल ज़्यादा है इसलिए चावल को हम 2 बैच में ग्राइंड करेंगे। चावल ग्राइंड हो चुके हैं, चावल को भी हम दाल के जैसे ही फाइन ग्राइंड करेंगे। हल्का सा दरदरा रहेगा तो भी चलेगा। अब इसे भी डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और दूसरे बैच भी ग्राइंड किया हुआ ऐड कर देंगे। अब 1/2 टेबल स्पून नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चम्मच से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक फैट लेंगे, जिससे दाल, चावल और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस बैटर को मैं 2 डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दूंगी, जिससे बैटर को फूलने के लिए जगह मिल सके। आप देख सकते हो कि बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह रखेंगे, जिससे बैटर फूलने के बाद पानी ऐड ना करना पड़े। बैटर फूलने के बाद पानी ऐड करने से फूला हुआ बैटर नीचे बैठ जाता है और हमारे ढोकले इतने अच्छे नहीं फूलेंगे। अब दोनों डिब्बों को बंद कर देंगे और 1 डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा रख के ऊपर कुछ वजन रख देंगे और इसे धूप में रख देंगे या कपबोर्ड में बंद जगह पर 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम सैंडविच ढोकले के लिए ग्रीन चटनी बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर जार में 2 टेबलस्पून कच्चा सिंगदाना, 3 कटी हुई हरी मिर्ची, 8 से 10 करी पत्ते, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून नींबू का रस और 1/4 टीस्पून चीनी डाल के ढक्कन बंद करके इतना क्रश कर देंगे। इतना क्रश करने के बाद 1.5 से 2 कप जितना हरा धनिया डाल देंगे। धनिया को साफ़ करके अच्छे से वॉश कर दिया है और धनिया की डंडियाँ भी हम रहने देंगे। अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे। और आप चाहिए तो इसी स्टेज पे चुटकी पर ग्रीन फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, जिससे चटनी का कलर एकदम ग्रीन रहेगा। मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है। अब इसे ग्राइंड कर देंगे। अब हमारी चटनी ग्राइंड हो चुकी है और आप देख सकते हो, बिना फूड कलर भी चटनी का कलर बहुत ही अच्छा ग्रीन आया है। अब इसे एक बाउल में निकाल देंगे और चटनी की कंसिस्टेंसी भी हम इसी तरह रहने देंगे। अब 7 घंटे के बाद हम बैटर चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो कि बैटर कितना फूल गया है। अब इसमें से 1 डिब्बा मैं साइड में रख दूंगी। बैटर में अच्छे से खमीर आया है और आप देख सकते हो बैटर फूल के हल्का भी हो गया है। अब इसमें से 1.5 कप जितना बैटर बाउल में निकाल देंगे और इसमें जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी उसमें से 3 से 4 चम्मच ग्रीन चटनी ऐड करके मिक्स कर देंगे। ये हम बीच का ग्रीन कलर का लेयर बनाने के लिए बैटर बना रहे हैं। इस तरह बैटर में चटनी मिक्स करने से ढोकले के तीनों लेयर अच्छे से बाइंडिंग रहेंगे। अब इसमें और 2 चम्मच चटनी डाल के मिक्स कर देंगे। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट चटनी अप्लाई करोगे तो ढोकला काटने के बाद ऊपर और नीचे के लेयर अलग हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ 1 थाली में ऑयल लगा के ग्रीस कर दिया है और इसमें 1.5 कप जितना बैटर डाल देंगे और इस तरह टैप कर देंगे, जिससे बैटर अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब इसे स्टीम करने रख देंगे। स्टीम करने के लिए कढ़ाई में पानी डाल के रिंग रख दी है।
अब ढोकला की थाली रख के 2 से 3 मिनट तक ढक के स्टीम करेंगे। 3 मिनट में स्टीम होने के बाद आप देख सकते हो ढोकला पकने के बाद ऊपर से इस तरह ड्राई हो जाएंगे। ये 100% नहीं पके हैं। अब इसमें ग्रीन चटनी वाला बैटर डाल के चम्मच से इवनली स्प्रेड कर देंगे। इस तरह 1.5 कप बैटर माप के डालने से तीनों लेयर इवनली लगेंगे। आप अपने थाली के हिसाब से माप के डाल सकते हो। अब इसे वापस 2 से 3 मिनट तक ढक के स्टीम कर लेंगे। 3 मिनट के बाद ये लेयर भी पक गया है। अब इसी के ऊपर 1.5 कप बैटर डाल के इवनली स्प्रेड कर दूंगी और ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और इसे ढक के 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट के बाद सैंडविच ढोकला स्टीम हो गए हैं। अब इसे हम बाहर निकाल देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल के थोड़ा स्प्रेड कर देंगे जिससे ढोकला काटने के बाद भी एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हो और इसे 5 से 10 मिनट तक ठंडा कर लेंगे। अब ढोकले ठंडे होने के बाद कट कर लेंगे। कट करने के लिए ढोकला ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने पसंद से स्क्वायर या डायमंड शेप में कट कर सकते हो। मैंने यहाँ स्क्वायर कट किया है। मैं आपको कट किया हुआ पीस भी दिखा रही हूँ। देखिए ढोकले के तीनों लेयर कितने इवनली दिख रहे हैं और ये एकदम सॉफ्ट ढोकले बने हैं। इसमें हमने बेकिंग सोडा या यूनो कुछ भी नहीं डाला है। अब सारे ढोकले निकाल के तड़का कर देंगे। अब तड़के के लिए पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और 1 टीस्पून राई डाल के राई को चटकने देंगे। राई चटकने के बाद 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल, 1 कटी हुई हरी मिर्ची और 5 से 6 करी पत्ते डाल के फ्राई कर लेंगे। अब ढोकला डाल के हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने वक्त ध्यान रखना है ढोकले टूटे नहीं। अब थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डाल के मिक्स कर देंगे। आज हमने जो मेज़रमेंट लिया है उससे ऐसी ही 2 से 3 और थाली बना सकते हो। अब सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सैंडविच ढोकला बन के रेडी है। इसे आप ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से भी ये कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं और तीनों लेयर इवनली दिख रहे हैं। तो इसे आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।